competition. What comes in your mind when I say the word competition? Is it about winning? Is it about prizes? Is it about contesting? Is it an event? Or is it about accepting challenges? As per dictionary, competition means an organized event in which people and teams participate or compete with each other to win a prize. क्या आप भी कंपटीशन का मतलब यही सोचते हैं? सोचा तो आपने बिल्कुल करेक्ट है. एक्चुअल वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो यही है, लेकिन आज हम आपको कंपटीशन को देखने का सही और अलग नजरिया उसकी एबीसीडी समझाते हुए बताएंगे. अब आप सोच रहे होंगे एबीसीडी यानी क्या? जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसका फाउंडेशन मतलब उसकी एबीसीडी सीखते हैं, उसी तरह कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले उसकी एबीसीडी को समझना बहुत जरूरी है. हेलो एवरीवन. सो क्या आपने सोचा है हमने कंपटीशन ये टॉपिक क्यों चुना? आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करना भी बहुत आसान हो गया है और बहुत इजीली अवेलेबल है. कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का उद्देश्य प्राइज जीतना, परफॉर्म करना, या फिर अगर और कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे साथ देना, ऐसी कई अलग अलग वजह हो सकती है. लेकिन क्या यही सही नज़रिया है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए? उसी के साथ क्या आपने कंपटीशन किसने ऑर्गेनाइज किए हैं इसके बारे में जानने की कोशिश की है? और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना यही आपको खुशी देता है? इस रियलिटी को देखते हुए हमें रियलाइज़ हुआ कि कंपटीशन को किसी और नज़रिए से देखने की भी ज़रूरत है. कंपटीशन में हर एक कलाकार ने पार्टिसिपेट करना और उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीतने या हारने के बाद आपको खुद को समझ में आएगा कि हम कितने योग्य कलाकार हैं या नहीं. सो डिक्शनरी के हिसाब से कंपटीशन का मतलब है एक ऑर्गेनाइज किया हुआ इवेंट जिसमें लोग एक दूसरे के साथ प्राइज जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं. बट एक्चुअली कंपटीशन एक दूसरे के साथ ना होते हुए अपने आप से होना यही सही तरीका है. इसका मतलब ये है कि आपके पिछले परफॉर्मेंस को आपके आज के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है. हर एक परफॉर्मेंस के बाद आपने कितना बेहतरीन किया, कौन सी गलतियाँ की और कौन सी गलतियों को सुधारा, इन सभी को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आप टीचर्स का या फिर कोई सीनियर गुरुज या फिर कंपटीशन के जजेस का गाइडेंस ले सकते हैं. कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले उसकी एबीसीडी को जानना बहुत ज़रूरी है. आइए देखते कुछ पॉइंट्स के माध्यम से. पॉइंट नंबर वन, ए फॉर एम ऑफ द कंपटीशन. कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइज जीतना, एक्सपीरियंस लेना या फिर किसी और रीज़न से पार्टिसिपेट करना, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. बट सही रीज़न यही होना चाहिए कि अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है, यही कंपटीशन का एम होना चाहिए. पॉइंट नंबर टू, बी बैकग्राउंड ऑफ द कंपटीशन. किसी भी इवेंट के एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे ना जाते हुए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंपटीशन किसने ऑर्गेनाइज किया है, कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, ऑर्गेनाइजर का इस फील्ड से क्या रिलेशन है, कंपटीशन कितने साल पुराना है, कंपटीशन में पिछले साल या फिर पिछले कई इवेंट्स में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है या फिर कितने विनर्स रह चुके हैं.
कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना आपको अफोर्डेबल है या नहीं, इन सभी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे अफोर्डेबल मतलब क्या और क्यों। अगर कंपटीशन किसी स्टेट या सिटी में ऑर्गेनाइज्ड है तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वहाँ रहने के एक्सपेंसेस, अगर कंपटीशन ने ऑर्गेनाइजर ने कहा है कि लाइव म्यूजिक पर करना कंपलसरी है तो म्यूजिशियंस के एक्सपेंसेस, इन सभी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजर ये एक्सपेंसेस बेयर नहीं करते। या फिर इसको कंसिडर करके आपको किसी भी तरह का प्राइज मनी या अवार्ड नहीं दिया जाता। कंपटीशन सिर्फ टैलेंट के बेसिस पर जज किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, सीक कंसेंट ऑफ योर गुरु बिफोर पार्टिसिपेशन। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले आपके गुरु से अनुमति यानी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके गुरु ने पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी है तो उसे पॉजिटिवली ले और ये समझे कि आपको अभी और तैयारी करनी है, क्योंकि डिसीजन लेते समय आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाता है। कंपटीशन में गुरु से परमिशन मिलने के बाद गुरु के गाइडेंस के अंडर ही पार्टिसिपेट करें। पॉइंट नंबर 4, डी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस फ्रॉम कंपटीशन। कंपटीशन में पार्ट लेने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक कलाकार के बेनिफिट्स को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, जैसे कि अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाना, स्टेज फियर को ओवरकम करना, किसी अच्छे परफॉर्मर को देख के इंस्पायर होना, अपने आप में डेवलपमेंट लाना और सोशल इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना, ऐसे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। पॉइंट नंबर 5, ई इंक्वायरी अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले उसके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टार्ट टू एंड तक पढ़ें और समझें, जैसे कि परफॉर्मेंस का टाइम ड्यूरेशन, एज क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस का थीम, फॉर्मेट एक्सेट्रा। अगर आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ में नहीं आए तो आप ऑर्गेनाइजर से तुरंत कंसल्ट करें और इसके बारे में जानकारी लें, ताकि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग या डिस्क्वालिफिकेशन फेस ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 6, एफ फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द कंपटीशन। जज करने का क्राइटेरिया हर एक कंपटीशन के वेरी होते हैं, जैसे कॉस्ट्यूम, परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन थीम, ओवरऑल प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। और वैसे ही अगर आप किसी क्लासिकल आर्ट फॉर्म के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें फुटवर्क, रिदम, सॉन्ग सिलेक्शन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इन सभी के बेसिस पे जज किया जाता है। कॉम्पिटिशन के एंड में जजेस ने रिजल्ट देने के बाद उसे रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करें और जजेस से आर्ग्यू ना करते हुए अपने फ्लॉज को जानने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 7, जी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर एनी कंपटीशन। पॉइंट नंबर 1, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले कॉन्फिडेंट और श्योर होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, पूरे कंपटीशन में आपका परफॉर्मेंस होने के बाद दूसरे के भी परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप दूसरे आर्टिस्ट के लिए भी रिस्पेक्ट जताते हैं। पॉइंट नंबर 3, कंपटीशन में यूज़ होने वाले म्यूजिक सिस्टम की जानकारी लें, उसी के साथ आप परफॉर्म करने वाले सॉन्ग की 2-3 कॉपीज अपने साथ कैरी करें, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, मोबाइल, सीडी एक्सेट्रा, और उसे आपके परफॉर्मेंस के पहले ज़रूर चेक करें। पॉइंट नंबर 4, आपके परफॉर्मेंस के लिए लगने वाले सभी चीज़ें आप याद से कैरी करें और दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, मेकअप किट, तानपुरा मशीन, श्रुति,
तबला मशीन और आपका खुद का इंस्ट्रूमेंट कैरी करें। पॉइंट नंबर 5, कंपटीशन में दिए हुए टाइम के 1 घंटे पहले लोकेशन पे पहुँचें ताकि आपको कंफर्टेबल होने के लिए टाइम मिल सके। पॉइंट नंबर 6, आपकी परफॉर्मेंस के बाद आपका सभी सामान याद से कैरी करें और आपको एलोकेट की हुई जगह को साफ रखें। आई एम श्योर कि हमने बताई हुई कंपटीशन की ABCD आपको ज़रूर हेल्पफुल और बेनिफिशियल रही है। इसके अलावा अगर आपके पास कंपटीशन रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस या गाइडलाइंस है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए। My best wishes to all the upcoming artists for their better future. See you soon with our new episode. Till then, stay tuned with Akash.